लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और भाइयों की बहनों, एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली आ रहा है फोर्टनाइट का चाचा, फ्री फायर का मामा, फौजी का ओरिजिनल बॉडी डबल। सितंबर 2020 से हो रहे एक लंबे इंतजार के बाद करण अर्जुन के स्टाइल में वापस आ गया है। वाह, क्या इंट्रो था। मतलब करण अर्जुन के स्टाइल में पबजी वापस आ रहा है। भाई साहब, सिंपल चीजों में तड़का कैसे दिया जाता है ना, ये आप हम इंडियन से सीख लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का लोगो थोड़ा थोड़ा चक दे इंडिया जैसा ही लग रहा है। अब आएगा भी खुश भी हो जाए, अगर अब इंडिया का नाम होगा और फ्लैग होगा तो सेम ही लगेगा ना। मतलब क्या हेलीकॉप्टर बना देते वहां पर। वैसे वो कहते हैं ना, किस्मत एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से दे देती है। मतलब किस्मत ने इन छोरों से आईपीएल का छीना, दूसरे हाथों से पबजी दे दिया। हमारे साथ कहां यार, हमारी किस्मत लेती ही रहती है, देती तो है नहीं कुछ। अबे आज तक मत बोल यार, अर्णब गोस्वामी इसको डिमोनेटाइज करवा देगा। आज तक का नाम सुनते कुछ मिर्ची सी लग जाती है उसको। नो, इट्स नॉट। अरे दिया तो है बे, साले अपनी पर्सनैलिटी देख। मतलब तुझे अपने पे जोक्स मारने के लाइफ में कितने टॉपिक्स दे रखे हैं यार, तू एक चलता फिरता मीम है। और तुझे जोक्स मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, तू मतलब अपनी शक्ल देख। तेरी कोई शक्ल देखेंगे ना, हंसते हंसते पागल हो जाएगा। लड़कियों की तुझे को दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि हंसी तो फंसी। और अगर तू अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख देना तो जितनी कार्टून है ना, ये मोटू पतलू, छोटा भीम, लिटिल सिंघम, ये सारी फेल हो जाएंगी भाई, सब फ्लॉप हो जाएंगी तेरे आगे। तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई, दूध पे जैसे आई हो मलाई, चिटी चिटी बैंग बैंग। ये भाई साहब जो है ना, शावर में थे जब मोशन पोस्टर अनाउंस हुआ था। इनका रिएक्शन जो है कुछ इस प्रकार का था। वैसे टॉकिंग अबाउट डांस यार, एक रिक्वेस्ट है, मतलब इंडियन वर्जन में जो है ना, एक इमोट ऐसा गब्बर स्टेप का भी डाल देना। पबजी के फैंस का हाल नाशिक लॉन्डो की तरह हुआ पड़ा है, जिनको एक डेढ़ साल वेट करवाने के बाद जो है ना, लड़की एक फाइनली स्माइल पास कर देती है। इतनी खुशी। और भाई साहब, इंडियन गेमिंग स्ट्रीमर्स की तो जैसे मतलब किस्मत ही पलट गई हो। रात को बेचारे अपना दारू पी के सोए थे, पता ही नहीं था क्या होने वाला। हेरा फेरी की तरह जो है ना, एक कॉल आती है और किस्मत जो है ना, एकदम पलट जाती है। पैसा ही पैसा होगा। भाई साहब, ये जो मोशन पोस्टर है ना, इसने सिर्फ 4 दिनों में टोनी कक्कड़ के पूरे करियर से ज्यादा व्यू लपेट लिए हैं। यार मुझे लगता है जो है ना, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, मतलब अब नेक्स्ट लॉकडाउन लगाने की तो हिम्मत हो नहीं रही है, तो ये गेम लॉन्च कर दिया। पता है साले लगे रहेंगे पूरे पूरे दिन इसमें, मतलब 3 घंटे की लिमिट के साथ। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेना भाई, प्रायोरिटी चेंज हुई पड़ी है। मतलब अब तक वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन की वेट हो रही थी, अब हो रही है बैटल ग्राउंड के रजिस्ट्रेशन की वेट। वैक्सीन गई तेल लेने। हर जगह जो है ना, पबजी का नाम मिटाकर जो है नई स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम फ्रेश स्टार्ट बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। इंस्टा के अलावा, इंस्टा ने कहा, बेटे अगर ब्लू टिक दिया है ना नाम, तो मैं तेरा चेंज होने दूंगा नहीं। आई एम सॉरी बाबू। यार वैसे ऐसे कुछ पबजी इंडिया में इंडिया कुछ ऐसा ही नाम रख लेते हैं। मतलब अब इन कैफेज को देखो यार, इनको पूरा का पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। भैया सॉरी टू से, बट क्योंकि ये जो है इंडियन गेम है ना, तो शायद ये ग्लोबल सर्वर पे नहीं चलेगा। लो भाई, खेल लिया फिर तो। मतलब अब तक जो है लॉन्डे खुशी खुशी कोई फीमेल कैरेक्टर आती थी तो इन लपक के जो है ना, ऐड करने को तैयार होते थे। अब तो यही डर रहेगा यार, इंडियन सर्वर है, मतलब एंजल प्रिया ही ना निकल जाए। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। ये छोकरे जो है ना, सुधरने नहीं वाले। ये मतलब जो है ना, अपने टीममेट्स की ग्रेड लूटेंगे और इंडिया का नाम जो है ना, यही लोग रोशन करते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मतलब अगर ग्लोबल सर्वर वालों ने इन लफंगों की हरकतें देख ली ना, तो मतलब हाथ जोड़ लेंगे। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. PUBG वालों ने कहा, यार ये सांप सीढ़ी खेलने वाले लोग हैं, ये हमारी चेस क्या समझेंगे। इनको जो है ना, एक डिफरेंट ही गेम दे दो, डिफरेंट सर्वर ही दे दो इनको। मतलब दोनों में बहुत फर्क है भाई, आप खुद ही देख लो। वो नाइस शॉट ब्रो, वाह माज करती वाह बेटे वाह। ओह सॉरी ब्रो, नेक्स्ट टाइम।
आगे स्वाद। नो, डोंट मूव। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। वाओ, दैट वाज सो कूल। मजा आया। ओके, होल्ड ऑन। रुको जरा, सबर करो। और भाई साहब, गलती से कभी इंडियन सर्वर और ग्लोबल सर्वर भिड़ गए ना, तो भैया तांडव होगा, तांडव। क्योंकि बॉलीवुड हमारी मतलब इतनी मशहूर है ना ओरिजिनलिटी में, तो किसी ना किसी फिल्म का मोशन पोस्टर बैटल ग्राउंड जैसा आने वाला है, आप लिख के रख लो। यू नो, वी हैड अ लॉन्ग इंटरनल डिस्कशन एंड वी डिसाइडेड टू डू समथिंग ओरिजिनल दिस टाइम। सी, वी गॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑन बोर्ड एंड सिड इज मेड फॉर एक्शन, राइट? सो वी डिसाइडेड टू डू समथिंग रियली ओरिजिनल, नेवर डन बिफोर। यू नो, हाउ अबाउट वी डू समथिंग लाइक बैटल ग्राउंड मोशन पोस्टर? और भाई साहब, इस रेस में अगर कोई चैंपियन होने वाला है ना, वो है टी सीरीज। मतलब टी सीरीज जो है ना, बहुत जल्दी आपको रिमिक्स पेश करने वाला है इस लोगो रिवील म्यूजिक का। म्यूजिक बैटल ग्राउंड के अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ पड़ा है ना, तो वो है ये टिकटॉकर्स। खुशी तो देख लो भाई लोगों की, इन्हें अलग लेवल की उम्मीद लगी पड़ी है। इन्हें लग रहा है कि मतलब इनको भी कोई ऐसे प्लेजेंट सरप्राइज देने वाला है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चलो, जाने से पहले थंबनेल रिएक्शन दे देते हैं। ओके, चलो। अबे हीरो मैं हूँ, पोस्टर में मैं ही आऊंगा। इंडिया में कैरेक्टर एक्टर जो है ना, सिर्फ ज्यादा मेहनत करते हैं, टाइम पे आते हैं, अपनी मजाक उड़वाते हैं। पोस्टर पे सिर्फ हीरो ही आता है। तू ये समझा, ये हॉलीवुड है? गजब बेइज्जती है। एनीवे, लेट्स पोज। वो आजकल पोज चल रहा है ट्रेंडिंग वाला। यो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगले वीडियो तक के लिए, स्टे हंग्री, स्टे हम्बल।